लाल सुबह 10 बजे रोहतक से फरीदाबाद के लिए रवाना होंगे। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। करीब 10:30 बजे पन्ना प्रमुख सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 10 बजे वहां पर स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम जिसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री, और फरीदाबाद से सोनीपत दौरे पर जाएंगे। कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम है सोनीपत में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आज कई कार्यक्रम है। अभी रोहतक में राहगीरी कार्यक्रम में शिरकत की और अब यहां से थोड़ी देर बाद फरीदाबाद के लिए रवाना होंगे। फरीदाबाद में कई कार्यक्रम। राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, किस तरह की तैयारियां की गई हैं स्थानीय प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आज मुख्यमंत्री के? बिल्कुल हितेंद्र, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद का दौरा आज काफी खास यहां पर रहने वाला है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। और सबसे पहले यहां पर सेक्टर 9 में हुड्डा मार्केट में स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और उसके बाद बल्लभगढ़ बस स्टैंड है जो जिले का, उस पर जो है स्वच्छता अभियान में शिरकत करेंगे। और इसके ठीक बाद जो सेक्टर 12 में पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो रखा गया है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार पूरे हरियाणा में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2024 को लेकर बीजेपी पहले से ही अपने आप को मजबूत कर रही है ताकि लोगों को जो जनहितैषी नीतियां हैं उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। और इसी को लेकर पन्ना प्रमुखों को भी पूरी तरह से ट्रेंड किया जा रहा है ताकि जो पंक्ति के अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है उसको किस तरीके से सरकार की नीतियों का लाभ मिले, उसको लेकर तमाम पन्ना प्रमुखों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो लोगों के बीच में जाएं और उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है दिला सकें। जी हितेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजेंद्र।